वेलकम टू कर्म एंड को एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सलेंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कर्म एंड को एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज में देखिए, सबसे पहले एवरेज होता क्या है। एवरेज का हमारे पास बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल अपॉन में नंबर ऑफ ऑल। ठीक है, ये छोटा सा एवरेज का फॉर्मूला है बेसिक, औसत इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए, कोई सीरीज है मेरे पास, या सीरीज है कुछ भी है, 40, 60, 80 और 100, इसका एवरेज निकालना है मुझे। ठीक है, इन चार नंबर्स का एवरेज निकालना है। देखिए मैं क्या करूंगा, सबको ऐड करूंगा ऊपर, सबको ऐड करा और नीचे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ये आ गया 180, ये आ गया 100, तो कितना आ जाएगा 280 बाय 4, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि हमारी आ जाएगी एवरेज या फिर औसत। ठीक है, चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवा देता हूं। देखिए, जैसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हिंदी में कहते हैं प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, देखिए एन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3 up to n। ठीक है, इनका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, अगर हमें डायरेक्ट इसका औसत निकालना है वो होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2, जहां पे n जो होता है वो होता है लास्ट नंबर। n जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लास्ट नंबर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1, 2, 3 up to 25। ठीक है, 25 तक जाता है, तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा, सीधे हम निकाल सकते हैं एवरेज कि n+1/2, 25 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 26/2, जिसे कहते हैं 13। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। देखिए अब आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले विषम संख्याएं होती है हमारे पास 1, 3, 5 अब तो किसी जेड नंबर तक जा रही है एवरेज। ठीक है, कोई जेड नंबर लास्ट में ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो जो एवरेज होगा ना वो आएगा z+1/2, मतलब लास्ट नंबर +1/2। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखिए सीरीज है कोई 1, 3, 5, 7 up to 23 तक। ठीक है, तो डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे इसकी, कैसे, लास्ट नंबर प्लस में 1/2, कितना आ जाएगा हमारे पास 12, ये इसी का एवरेज होगा। ठीक है, देखिए अब आता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, देखिए तो सीरीज होगी कोई 2, 4, 6 करते करते ऐसे एन तक जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वो होगा लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1, ये हमारा क्या होगा, इसका एवरेज। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2, 4, 6, 8
20 तक है, ठीक है, 20 तक जा रहा है, तो इसका एवरेज जो होगा वो ये होगा कि लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और जो भी आया उसमें प्लस 1 कर दो, तो ये आएगा 10 + 1 = 11, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सी बातें देखो, इफ ईच क्वांटिटी या नंबर इज इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन वैल्यू के, देन एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय के। जैसे कि मैं ये कहूं, अगर चार नंबर से ए बी सी डी, ठीक है, इनका एवरेज है जेड, ठीक है, चार नंबर से ए बी सी डी, इनका एवरेज है हमारे पास जेड। अगर हर एक नंबर में हम के जोड़ते हैं, हर एक नंबर में हम के जोड़ते हैं, ठीक है, सी में भी के जोड़ दिया और डी में भी के जोड़ दिया, चारों में हमने के जोड़ दिया, तो इनका जो एवरेज आएगा ना वो आएगा जेड प्लस के, यानी कि एवरेज भी के से बढ़ जाएगा, एवरेज भी के बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता, जैसे कि अगर ए बी सी डी का एवरेज हमारे पास है जेड, ठीक है, हर एक नंबर में से के माइनस होता है, हर एक नंबर में से के माइनस होता है, ठीक है, सी में से, डी में से, ए में से, बी में से, चारों में से के हमारा माइनस होता है, तो इन नंबर्स की जो एवरेज आएगी वो जेड माइनस के आएगी, ठीक है, जेड माइनस के आएगी। अगर हर एक नंबर में, अगर देखो ये तो था प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, अब हर एक नंबर में अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो रहा है ना, तब भी वही इफेक्ट एवरेज पे पड़ेगा। जैसे कि ए बी सी डी का जो एवरेज है वो हमारे पास जेड, ठीक है, अगर ये के से हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा के ए, ये के बी, ये के सी, ये के डी, तो जो इनका एवरेज आएगा वो आएगा जेड इंटू के, ठीक है। और अगर हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है, हर एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, इनका क्या नाम है, इनका एवरेज है जेड, हर एक नंबर के से डिवाइड हो रहा है, हर एक नंबर के से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नए चार नंबर आएंगे इनका एवरेज क्या हो जाएगा, जेड बाय के, ठीक है। जो चेंज ईच नंबर में होगा, हर एक नंबर में जो चेंज होगा वही चेंज एवरेज में होगा, चाहे वो इंक्रीज हो, चाहे वो डिक्रीज हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवाइड हो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिया बड़ा आसान सा, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 14 इयर्स। एक क्लास की जो औसत आयु है 30 बच्चों की वो है 14 वर्ष। व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, जब टीचर की एज को भी इंक्लूड किया जाता है, द एवरेज बिकम्स 15 इयर्स, तो एवरेज जो होता है 15 साल हो जाती है। फाइंड द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज निकालनी है, देखिए बड़ा आसान है क्वेश्चन, सिंपल सा मेथड है। 30 बच्चों का एवरेज कितना है, 14। 30 बच्चों के एवरेज है हमारे पास 14, जैसे ही टीचर को इंक्लूड किया तो अब ये 30 से 31 हो जाएंगे, ठीक है, और एवरेज कितनी है 15 साल, एवरेज कितनी है 15 साल, ठीक है। सम निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 420, 14 42 होता है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 465, ठीक है, 465 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे वही टीचर की एज होगी, ठीक है, तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी 45 इयर्स, ठीक, टीचर की एज हो जाएगी 45 इयर्स। देखो 30 लोगों की एवरेज थी 14, तो सम कितना हो गया 420, 31 लोगों की एवरेज थी 15, तो सम हो गया 465, दोनों में से जो माइनस करेंगे वही टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एज ऑफ टीचर हमें निकालनी हो, एज ऑफ टीचर या एज ऑफ इंक्लूडेड पर्सन कह सकते हैं, एज ऑफ द इंक्लूडेड पर्सन, वो क्या होता है, न्यू एवरेज प्लस में नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इंटू
कितना बढ़ा उससे मल्टीप्लाई कर दो। न्यू एवरेज कितना है हमारे पास, 15 है, ठीक है। कितने पुराने मेंबर्स थे, 30, ठीक है, सॉरी प्लस 30, और इनटू में इंक्रीज कितना हुआ, एक साल इंक्रीज हुआ भाई, 14 से 15 हो गया, एक साल ही तो हुआ, तो 15 प्लस में 30 इंटू एक 30, यहां से भी आ गया 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ फोर मैन इज इंक्रीज बाय 3 kg, चार व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम से बढ़ जाता है व्हेन वन ऑफ देम वे 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, जब एक व्यक्ति जिसका भार 120 किलो है किसी दूसरे व्यक्ति से बदला जाता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। तो नए व्यक्ति का वेट हमें पता करना है, भार पता करना है। देखो पहले तो इसका बेसिक मेथड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक, हालांकि इसे करना नहीं है बट मैं बता रहा हूं आपको। चार लोगों का एवरेज जो है मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, चार लोगों का एवरेज मैंने एक्स मान लिया। अब यही एवरेज 3 बढ़ जाता है यानी एक्स प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। अब जब चार लोगों का एवरेज एक्स था तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 4x, ठीक है, सम हो जाएगा 4x। अब देखिए सम में से 120 वाला चला गया, एक 120 केजी वाला व्यक्ति चला गया, इसकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया, इसकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया जिसका वेट मैंने जेड मान लिया 2 सेकंड के लिए, ठीक है। व्यक्ति तो ये चार के चार ही रहे क्योंकि एक गया एक आया, चार के चार ही रहे, बराबर में जो एवरेज हुआ वो कितना हो गया, 3 बढ़ गया, एवरेज जो हुआ वो 3 बढ़ गया। अब इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 4x माइनस 120 प्लस z बराबर, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस में 12 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 120 है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132, यानी कि जो नया व्यक्ति आया उसका वेट कितना हो गया हमारे पास, 132 kg। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है, ठीक। चार लोगों की एवरेज 3 किलो वेट जो है, एवरेज वेट 3 kg बढ़ जाता है तो टोटल कितना बढ़ा होगा, 4 × 3 12 kg बढ़ा होगा भाई, चार व्यक्तियों का एवरेज 3 3 किलो बढ़ जाता है तो टोटल 12 kg बढ़ा होगा। अब जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति गया है और जो आया है, तो जो व्यक्ति आया है उसका वेट कितना आएगा, जो व्यक्ति आया है न्यू पर्सन है, जो इसे मैं न्यू पर्सन लिख देता हूं, उसका वेट कितना हो जाएगा, 120 वाला गया था उसमें ये 12 जोड़ दो, बस 132 हमारा आंसर आ गया, इतना शॉर्ट तरीका। तो ये थे हमारे एवरेज के बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, आज के लिए इतने रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, थैंक यू।